आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में चाकू मारकर आइसक्रीम विक्रेता की हत्या कर दी गई है। इंडिया गेट के पास आइसक्रीम विक्रेता की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में हत्या की एक घटना से सनसनी फैल गई। बुधवार रात इंडिया गेट के पंडारा रोड पर उस समय दहशत भरा माहौल हो गया जब अज्ञात बदमाशों ने पैसों को लेकर हुए विवाद में एक आइसक्रीम बेचने वाले की चाकू गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस देर रात तक वारदात वाली जगहों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश करती रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पूरी घटना इंडिया गेट के पास की है जहां पर आइसक्रीम विक्रेता की हत्या कर दी गई है। पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हो गया था जिसके बाद बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वाले की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो खंगालने में जुटी हुई है जिसके जरिए आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।